नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और त्योहारी सीजन है तो कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज हम उस डॉन की बात करेंगे जिसने अपने अपराध का सफ़र या फिर यूं कहे कि डॉन बनने का सफ़र शुरू किया था सिनेमा घर से टिकट को ब्लैकमेल करने से। इसके बारे में कुछ खास बात ये है कि ये एक समय दाऊद का सबसे खास आदमी माना जाता था, लेकिन समय बदला और खास आदमी की जगह किसी और ने ली और देखते ही देखते ये दाऊद का जानी दुश्मन बन गया। इन दोनों के बीच वो जो गैंगवार चली वो इतने लंबे समय तक चली कि शायद ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई गैंगवार होगी जो इतने लंबे समय तक चली हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटा राजन की। छोटा राजन का जन्म 13 जनवरी 1959 को मुंबई के चैम्बूर इलाके के तिलक नगर में हुआ था। छोटा राजन का पूरा नाम था राजेंद्र सदाशिव निकलजे। पिता का नाम था सदाशिव शाखाराम निकलजे, लेकिन उसका गैंग उसे नाना कहकर बुलाता था। छोटा राजन के भाई बहनों की बात करें तो ये 3 भाई और 2 बहन थी। 5वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद जब इसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो ये अपराध की दुनिया में कदम रखता है और खराब संगत के चलते अपराध की शुरुआत करता है सिनेमा घर के बाहर ब्लैक में टिकट बेचकर। इसके बाद छोटा राजन जगदीश गुंगा गैंग को ज्वाइन कर लेता है। कहते हैं कि एक बार पुलिस कालाबाजारी करने वाले लोगों की धरपकड़ में लगी हुई थी। अब इसी के चलते पुलिस ने इसे एक सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक में बेचते हुए पकड़ लिया और इस पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। लेकिन इसको पुलिस की लाठी वो इतनी गंदी बुरी तरीके से चुभती है कि पुलिस वाले से लाठी छीन कर उनको भी धुनता है और जो उसके साथ में साथी थे पुलिस वालों के उन पर भी लाठी भांजना शुरू कर देता है। अब ये खबर उस समय इतनी आग की तरह फैली कि चारों तरफ के जो छोटे मोटे गैंग थे वो छोटा राजन को अपने गैंग में लेने को उतारू हो गए। लेकिन उस समय एक गैंग गोल्डन गैंग जो कि राजन नायर यानी बड़ा राजन की गैंग थी वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में थी और इस घटना के बाद से बड़ा राजन ने छोटा राजन को अपने पास बुलाया। अब यहाँ पास बुलाने का कारण सीधा सा था कि वो उसे अपनी गोल्डन गैंग ज्वाइन कराना चाहता था। अब छोटा राजन को छोटा राजन क्यों कहते हैं? दरअसल जब ये गोल्डन गैंग में पहुंचा तो लोगों ने देखा कि जो राजन नायर और राजेंद्र इन दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ये काम एक जैसा करते हैं, जिस तरीके से बड़ा राजन प्लानिंग करता है उसी तरीके से छोटा राजन भी करता है, तो इसी के चलते राजेंद्र को छोटा राजन कहा जाने लगा। शुरुआत में तो छोटा राजन ने बड़ा राजन के कहे अनुसार काम किया, लेकिन वो चर्चाओं में तब आया जब अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या कर दी। अब अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन के बीच की जो भी गैंगवार है, जो इनकी दुश्मनी है, उसे लेकर हम पहले स्टोरी अपलोड कर चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जब अब्दुल कुंजू ने पठान गैंग के साथ मिलकर बड़ा राजन की कोर्टरूम के बाहर हत्या कर दी तो अब्दुल कुंजू ये समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तो उसने 1983 में क्राइम ब्रांच की टीम को अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि जेल ही एक ऐसी सेफ जगह है जहां वो छोटा राजन से बच सकता है। अब क्योंकि छोटा राजन बड़ा राजन को अपना गुरु मानता था तो वो अब्दुल कुंजू से हर हाल में उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। और 1983 में ही जब वो पहली बार कोर्ट रूम में तारीख पर गया और वापस लौट रहा था, पुलिस उसको जेल लेकर जा रही थी वापस, तो उसकी कार पर हमला होता है जिसमें उसके कंधे पर एक गोली लगती है। अब हालांकि वो इस हमले में बच तो जाता है, लेकिन उस पर दूसरा हमला होता है 1984 में जब वो हॉस्पिटल में अपने कंधे का इलाज कराने के लिए जाता है। अब वहाँ हॉस्पिटल में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था वो घटना इतनी यूँ कहें कि अंडरवर्ल्ड में इतनी ज़बरदस्त थी कि दाऊद भी उससे इम्प्रेस हुआ था। यहाँ तक कि इस घटना को जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया था कई पिक्चरों में भी दर्शाया गया था। वह यूँ था कि जब अब्दुल कुंजू हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वहाँ पहले से ही मौजूद एक आदमी हाथ में प्लास्टर बांध कर रहता है और जैसे ही वो हॉस्पिटल में एंट्री लेता है तो हाथ से प्लास्टर हटाकर अब्दुल कुंजू पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा देता है। हालाँकि अब्दुल कुंजू इस हमले में बच जाता है, लेकिन इस हमले के बाद दाऊद उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उससे मिलने की बात करता है और उसे डी कंपनी ज्वाइन करने की हिदायत देता है। अब इसके बाद छोटा राजन भी डी कंपनी ज्वाइन कर लेता है और लेकिन वो कुंजू को नहीं बोलता। इसके 3 साल बाद 1987 को जब अब्दुल कुंजू क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो उसको वहाँ पर मौत के घाट उतार देता है। खैर, वैसे अब्दुल कुंजू की अगर आपको कहानी जाननी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। उस पर इसकी बड़ा राजन से किस तरीके से दुश्मनी थी और छोटा राजन ने किस तरीके से बदला लिया, सब कुछ वहाँ पर बताया गया है। कुंजू की मौत के बाद 1987 में छोटा राजन दाऊद के साथ दुबई चला जाता है और डी कंपनी के सारे काम संभालने लग जाता है। ये वो समय था जब दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे के चहेते थे। लेकिन इसके बाद 1988 में शकील दुबई जाता है। शकील को कई बार लगा कि दाऊद उसे इग्नोर कर रहा है,
लेकिन डी कंपनी में अभी तक शकील का वो रुतबा नहीं था जिससे दाऊद उस पर ध्यान दे। इस दौरान छोटा राजन बड़े बड़े बिल्डर से दाऊद के कहने पर पैसे लेता था। अगर किसी बिल्डर को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो छोटा राजन को उसके लिए 3-4% हिस्सा दिया करता था। पुलिस की माने तो 90 के दशक में छोटा राजन की इनकम प्रति महीने 70-80 लाख थी और मुंबई में 100 से ज़्यादा बेनामी होटल और पब पर उस छोटा राजन का कब्जा था। इनकी कमाई का एक हिस्सा गैंग के लोगों के लिए केस लड़ने में यूज़ होता था और यही कारण था कि दाऊद के कहने पर गैंग के लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। इसी दौरान सोत्या शकील भी दुबई पहुंच जाते हैं और वो शरद सेट्टी से मिलना जुलना बढ़ा देते हैं। अब जहां एक तरफ सोत्या शकील और सेट्टी की आपस में बनने लगी थी तो वहीं छोटा राजन की इज्जत दाऊद की नज़रों में बढ़ने लगती है। लेकिन तभी शकील दाऊद के कान भरता है और कहता है कि छोटा राजन गैंग पर कभी भी कब्जा कर सकता है। इस पर दाऊद ने बताया कि वो सिर्फ मैनेजर है, लेकिन फिर भी छोटा शकील और कुछ लोग छोटा राजन से नफरत करते थे। तभी दाऊद छोटा राजन को फ़ोन कर अपने बहनोई इब्राहिम पार्कर की मौत का बदला लेने की बात कहता है। वो कहता है कि तेरे को पार्कर की मौत का बदला लेने को कहा था, इस काम में देरी क्यों लग रही है। इस पर छोटा राजन जवाब देता है कि उसने अपने आदमी इसी काम में लगा रखे हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और भाई जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जब ये सारी बातें फ़ोन पर हो रही थी तो वहाँ सुनील सोत्या मौके पर मौजूद था। अब ये सारी बातें सुनकर सुनील ने दाऊद से कहा कि वो इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए उसे एक मौका दे। अब इसको लेकर, क्योंकि दाऊद हर हाल में अपने बहनोई की मौत का बदला लेना चाहता था, तो वो सोत्या को एक मौका दे देता है। अब इसके बाद 1992 में जे हॉस्पिटल कांड की गाथा लिखी जाती है जिसमें 500 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलती हैं। अब यही वो मौका था जब सोत्या शकील और शरद सेट्टी ये तीनों छोटा राजन से ऊपर अब दाऊद की नज़रों में चढ़ने लगे थे। लेकिन वो दाऊद को बराबर इस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि छोटा राजन का साथ छोड़ दे, वो छोटा राजन को कभी भी छोटा राजन उनको धोखा दे सकता है। लेकिन एक बार इस चीज़ से परेशान होकर दाऊद ने उन तीनों से कहा कि ना ना, मुझे कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि सबसे बुरे वक्त में वो मेरे साथ था, तो उसे लेकर कोई भी बात ना कही जाए। लेकिन उसके बाद 1993 के जब बम ब्लास्ट होते हैं तो उसमें दाऊद का नाम आता है। अब लोगों ने दाऊद के साथ छोटा राजन को भी कोसना शुरू किया। हालांकि छोटा राजन ने इसमें अपने आप को लेकर कुछ चीज़ें सफाई भी दी, हालांकि उसने सफाई तो दाऊद को लेकर भी दी थी, लेकिन वो सफाई कुछ काम नहीं आई और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो दुबई में मीटिंग होने लगी थी डी कंपनी की, उसमें छोटा राजन को इग्नोर किया जाने लगा। छोटा राजन थोड़े दिन तक तो ये सोचता रहा कि मुंबई हमलों की निंदा पर दाऊद उससे नाराज़ है, लेकिन जब शकील द्वारा उसे काफिर कहा जाने लगा तो वो समझ गया कि दुबई उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन तभी दाऊद एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है और उसमें छोटा राजन को बुलाया जाता है। छोटा राजन पार्टी में जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी उस पर फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला छोटा राजन को बताता है कि वह पार्टी में ना जाए, दाऊद ने उसे मारने का प्लान बना लिया है। यह सुनकर छोटा राजन दुबई में इंडियन एम्बेसी का सहारा लेता है और एक रॉ ऑफिसर से बात करता है। कहते हैं कि इसके बाद दिल्ली कई फ़ोन घुमाए जाते हैं और कुछ ही घंटों बाद छोटा राजन काठमांडू के लिए रवाना हो जाता है और उसके बाद मलेशिया चला जाता है। छोटा शकील को इसके बाद दाऊद का राइट हैंड बनने का मौका मिलता है। वहीं छोटा राजन कंबोडिया, इंडोनेशिया और बैंकॉक में घूमता रहा और उसे सबसे सेफ जगह लगी बैंकॉक, वहाँ उसने रहना शुरू कर दिया। तभी 2000 में छोटा शकील को बैंकॉक में राजन के ठिकाने का पता लगता है तो वहाँ वो अपने शूटर को भेजता है जिसमें मुन्ना जिंगाड़ा भी होता है और वहाँ उसके होटल पर जाकर वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। हालांकि वो इस हमले में बच जाता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वो ये समझ जाता है कि वो जब अपने घर पर उस पर हमला किया जा सकता है तो अस्पताल में भी उसको खतरा है, तो वो अस्पताल से भी फरार हो जाता है। इसके बाद 2001 में छोटा राजन अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेता है और छोटा शकील के दो खास आदमी विनोद और सुनील की हत्या करा देता है। इसके बाद मानो कुछ समय तक छोटा राजन गायब हो गया, लेकिन उसके बाद 2011 में उसका एक बार फिर से नाम आता है जब मिडडे न्यूज़ के एक क्राइम रिपोर्टर जेडे की हत्या की जाती है। इसके बाद 2013 में राजन द्वारा बिल्डर अजय और अरशद शेख की मौत को अंजाम दिया गया। इन दोनों को मारने के बाद जब इंटरपोल उसे पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जहां 2015 में उस पर एक बार फिर हमला किया जाता है, लेकिन इस बार भी वो वहां से बच निकला और इस हमले के बाद 2015 में वो इंडोनेशिया चला जाता है, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। छोटा राजन को रिपोर्टर जेडे की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। कहते हैं कि डी कंपनी के लोग आज भी छोटा राजन को मारने की फिराक में रहते हैं। तो ये थी छोटा राजन की कहानी, क्योंकि छोटा राजन एक अंडरवर्ल्ड का ऐसा आदमी है कि उसकी अगर पूरी स्टोरी हम निकालें तो शायद
कई दिनों तक चले, लेकिन जो जो मेन चीज़ें थी वो हम इसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है या आप किसी चीज़ को हमसे बताना हमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डाल सकते हैं। तो खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तिलक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।